हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है एशियन पेंट की तरफ से। एशियन पेंट इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो मेन हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो गाइस, यहाँ से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यहाँ ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं, दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो गाइज, यहाँ क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, साथ ही ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड की गई है, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम से जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका सारा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी प्लांट इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की रहने वाली है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट है एशियन पेंट की तरफ से, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस से लेकर 3 ईयर एक्सपीरियंस तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। और आप लोगों की यहाँ पर जो लोकेशन और साथ ही है जो जॉब हाईलाइट दिया गया है उसमें आपको बताया गया, अगर आप 26 साल से यहाँ पर एज ज़्यादा है आपकी तो अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपका 26 साल रखा गया है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पर हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो हमारे यहाँ पर जॉब हाईलाइट दिया गया है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप। इन आपका वर्क ये रहने वाला यहाँ पर बताया गया है। सैलरी पैकेज आपको काफ़ी अच्छा दिया जाएगा। यहाँ पर जो सैलरी पैकेज रहता है ऑलमोस्ट 20 या 22 हज़ार तक रहता है। 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आपका 1 साल का हो या 2 साल का हो एक्सपीरियंस या 3 साल का, उसके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे, परमानेंट आपका जॉब रहेगा। ओनली ऑन डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लिंक से जाकर अप्लाई करना है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है जो आपका एशियन पेंट डिपार्टमेंट रहने वाला है और साथ ही गए 0 से लेकर 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस रखा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं दोनों अप्लाई करेंगे। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रहने वाला है, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन वर्क रहेगा और प्रोडक्शन वर्क में हमारे जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं जैसे रॉ मटेरियल या फिर और भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेवेंट आपका वर्क रहता है। यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल भी दी गई है। और गाइस, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपका यहाँ एरिया रहेगा, परमानेंट आपका रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसमें डिप्लोमा अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, मतलब किसी भी ब्रांच से हैं, भले ही आप लोग सिविल से हैं या मैकेनिकल से हैं या फिर सीएस से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर अदर कोई कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, और भी आप लोगों की केमिकल वगैरह ब्रांच हैं, तो सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये सभी के लिए रखा गया है, पर्टिकुलर किसी भी एक ब्रांच के लिए नहीं है ये वैकेंसी, सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो भी आपकी अपडेट है सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस ये नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। यहाँ पर चेंजिंग कुछ नहीं है, ओनली आप लोगों का देखिए लोकेशन भी सेम रहने वाला है, साथ में एक्सपीरियंस 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस रखा गया है। लेकिन अभी हमने जो इससे पहले अपडेट दिखाया उसमें हमारे फ्रेशर डिपार्टमेंट वाले एलिजिबल थे, यहाँ आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। एक्सपीरियंस के साथ साथ 26 साल मैक्सिमम एज रखी गई है और डिप्लोमा मैकेनिकल केमिकल वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। इसमें एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया है कि सिर्फ यही 2 ब्रांच वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सिविल हो या मैकेनिकल हो। इससे रिलेवेंट अगर कोई भी ब्रांच है आपकी तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सिविल और मैकेनिकल
आपका डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर आपका ये ब्रांच रहने वाला है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की लिंक ये दे रखी है, यहाँ से जाकर आप सभी को अप्लाई करना है। ये गाइस आप लोगों का नेक्स्ट वैकेंसी दिया गया है, ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। यहाँ पर हमारे 0 ईयर एक्सपीरियंस या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। साथ ही गाइस यहाँ आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट रहने वाला है। अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएशन है या नॉन टेक्निकल है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। परमानेंट के साथ साथ अगर गाइस आप लोगों ने फाइनेंस वगैरह में यहाँ पर किया हुआ है ग्रेजुएशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में आपको नॉलेज है या एक्सपीरियंस है तो जो भी आप लोगों ने कोई क्षेत्र में यहाँ पर एक्सपीरियंस प्राप्त किया है आप लोग डाल सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों की नेक्स्ट वैकेंसी है, जो मटेरियल आपका डिपार्टमेंट रहेगा। सबसे पहले देखिए बात करें यहाँ पर 0 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर 1 है 2 है 3 है सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साथ ही गाइस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहने वाली है। मटेरियल आप लोगों का डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें आपकी यहाँ वैकेंसी रखी गई है, एंड आपका टोटल यहाँ मतलब जो टाइटल रहने वाला है एग्जीक्यूटिव मटेरियल रहेगा। अब मटेरियल आपका काफ़ी सारे यहाँ पर वर्क दिए गए हैं, जैसे देखिए आप लोग देख सकते हैं मटेरियल का है और प्रोडक्शन सपोर्ट का है, मटेरियल डिस्पेच और टीम मैनेजमेंट और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मेन पावर मैनेजमेंट, ये सभी आपके यहाँ दिए गए हैं। तो डिपेंड करता है गाइस आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है तो आपको उसी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल रखा गया है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या मैकेनिकल के किसी भी ब्रांच से रिलेवेंट किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है 2 साल का तो गाइस आप लोगों को इन फील्ड में से काफ़ी अच्छी फील्ड पर रखा जाएगा। अब हमारे जो भी कैंडिडेट है जैसे वर्क नॉलेज है आप लोगों को नॉलेज वगैरह होती है वायर हाउस कंट्रोल सिस्टम या फिर अदर कोई यहाँ पर आपको स्किल दे रखी है, जो भी आपको यहाँ टॉपिक सीखे उनसे रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है और साथ ही आपका बिहेवियर अच्छा है, जैसे लाइक दैट आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, एंड यहाँ आप लोग अपने टीम के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, फास्ट लर्निंग है आपके अंदर, तो ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो ऑलमोस्ट हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने रिज्यूमे मेंशन करते हैं। जैसे देखिए गुड कम्युनिकेशन, या फिर आप लोग बात करें कि मतलब आपके अंदर पेशेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा कर लेते हैं आप लोग, फास्ट लर्निंग है, एंड आप सभी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं आप लोग अपने बिहेवियर में इसे ऐड कर सकते हैं। ये सभी जो स्किल्स दी गई हैं ये एक स्किल नहीं होती है, एक नॉर्मल जो हमारे कैंडिडेट होते हैं कैंडिडेट को अपने अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए और अपने रिज्यूम में मेंशन करनी चाहिए, जिससे कि रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है। तो आप लोग का जितना ज़्यादा रिज्यूम अच्छा बनेगा, आपकी हर क्वालिफिकेशन या फिर हर आपकी क्वालिटी रिज्यूम में शो करेगी तो एक अट्रैक्टिव रिज्यूम आपका तैयार होता है। तो ये आप लोग का रहने वाला है। यहाँ हमारे वैसे डिप्लोमा के कोई भी ब्रांच से स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं, बट मेन ब्रांच ये आपको मैकेनिकल के लिए प्रेफर किया गया है। अगर मैकेनिकल से हैं तब तो ज़रूर ही अप्लाई करें, बट बाकी यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर अप्लाई कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।